नमस्कार, सिटी पोस्ट पे आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। बिहार में पंचायत चुनावों का बिगुल जल्द ही बजने वाला है। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव सूबे में दलीय आधार पर नहीं हो रहा है, हालांकि बावजूद इसके बीजेपी ने कमर कस ली है। जी हां, आपको बता दें कि बीजेपी ने फैसला किया है कि दलीय आधार पर चुनाव नहीं होने के बावजूद पार्टी की तरफ से समर्थित उम्मीदवारों को जीत दिलाने के लिए रणनीति बनाकर काम किया जाएगा। इतना ही नहीं, बीजेपी ने पार्टी समर्थित उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार भी करने का फैसला लिया है। बिहार प्रदेश बीजेपी ने यह फैसला किया है कि पंचायत चुनाव में पार्टी के जो नेता और कार्यकर्ता मैदान में उतरेंगे, उन्हें हर संभव मदद दी जाएगी। इसके लिए पार्टी के प्रदेश चुनाव सेल की तरफ से आज कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। इसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री नंद किशोर यादव के साथ साथ राज्य सरकार के मंत्री जनक राम भी शामिल हुए। बैठक के बाद इन नेताओं ने कहा कि भले ही दलीय आधार पर चुनाव नहीं कराया जा रहा हो, लेकिन इसके बावजूद पार्टी के जो भी नेता और कार्यकर्ता पंचायत चुनाव में उतरेंगे, उन्हें हर तरह की कानूनी मदद भी मुहैया पार्टी कराएगी। दरअसल बीजेपी का मकसद पंचायत चुनाव के जरिए अपने संगठन को निचले स्तर तक ले जाना है। बीजेपी जानती है कि दलीय चुनाव नहीं होने की स्थिति में वह अपने सिंबल पर उम्मीदवारों को खड़ा नहीं कर सकती, लेकिन पीछे से खड़े होकर पार्टी के समर्थित उम्मीदवारों के जरिए अपनी साख को जरूर बढ़ा सकती है। इसी रणनीति पर काम करते हुए बीजेपी ने पंचायत चुनाव पर फोकस दिया है। एक तरफ जहां दूसरे दलों ने पंचायत चुनाव को लेकर कोई रणनीति नहीं बनाई है, वहीं बीजेपी न केवल प्लान तैयार कर चुकी है बल्कि उसको एक्टिवेट करने के मोड में भी है। हमारे प्रत्याशी हैं, जिला पार्षद के हमारे समर्थित प्रत्याशी हैं। मुखिया जिला पार्षद के बारे में, इसके लिए हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे। अब तक जिला पार्षद का ही ये चिन्हित किए गए हैं कि जिला पार्षद का चुनाव दलगत नहीं, लेकिन समर्थित हमारे प्रत्याशी होंगे। आप प्रचार में घूमेंगे सर? बिल्कुल प्रचार में घूमेंगे। हमारे समर्थित जब प्रत्याशी होंगे तो क्यों नहीं घूमेंगे, बिल्कुल घूमेंगे। लोकसभा चुनाव में काम किया है, पंचायतों के चुनाव में भी अपने उम्मीदवारों को यथासंभव कानूनी सहायता देने के लिए चुनाव आयोग सेल की आज बैठक हो रही है, जिसमें हम भारतीय जनता पार्टी के ऐसे उम्मीदवारों को कानूनी सहायता प्रदान करेंगे जो पंचायत के विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ेंगे। सर, पार्टी वाइज चुनाव नहीं होता है, लेकिन अब बात कर रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता, तो क्या इसमें एक बैक सपोर्ट मिलेगा क्या पार्टी को? पार्टी वाइज चुनाव नहीं होता है, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं। सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में जो सक्रिय हैं चुनाव वही लड़ते हैं, और हमारे कार्यकर्ता हर पंचायतों में सक्रिय हैं, वो लड़ेंगे तो उनकी मदद करना हमारा दायित्व है। जी हाँ, तो बीजेपी ने कमर कस लिया है पंचायत चुनाव को लेकर के। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।